हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुंबई का अमन कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल मुंबई का अमन कुमार पर। आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर, मुंबई का अमन कुमार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा बीत रहा होगा, आप अपना समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल टॉपिक है, यह है शादी का टॉपिक। शादी का क्या है टॉपिक, चलिए देखते हैं। शादी के लिए प्रियंका निक ने इतने रुपए में बुक किया जोधपुर का ये महल। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह की शादी के बाद अब सभी लोगों की नज़रें देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और विदेशी बॉय निक जोन्स की शादी पर टिकी हुई हैं। इन दोस्तों की शादी सबकी उम्मीदों से अलग फुल देसी अंदाज में जोधपुर में होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार इनकी शादी हिंदू और ईसाई दोनों ही रीति रिवाजों से पूरी होगी। इसमें संगीत, शादी और फिर रिसेप्शन तीन प्रोग्राम होंगे। मेहरानगढ़ फोर्ट को संगीत की रस्म के लिए चुना गया है। बता दें कि शादी की रस्में उम्मैद भवन में की जाएंगी। इस वेन्यू को बुक करने में $60,000 यानी कि करीब 43 लाख रुपए खर्च हुए हैं। राजा उम्मैद सिंह का बनाया गया ये महल अब ताज होटल ग्रुप का है। इस महल के अंदर 42 खास कमरे और 22 लग्जरी कमरे हैं। इसके अलावा इसका बाल रूम करीब 26 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। ये महल टूरिस्ट का भी फेवरेट स्पॉट है। दोस्तों, बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा को भी उम्मैद भवन बहुत पसंद है, जिसका जिक्र मधु ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा बहुत पसंदीदा शहर है, इसलिए सारी दुनिया को छोड़कर हम यहाँ आए हैं। बता दें, पीसी प्रियंका चोपड़ा की मां मधु शादी की सभी तैयारियाँ अपनी देख रेख में ही करवा रही हैं। अब बस प्रियंका के फैंस उन्हें जल्द ही एक दुल्हन के जोड़े के रूप में देखना चाहते हैं। तो चलिए, ये था दोस्तों आज का टॉपिक। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पहुंचा सकते हैं हमारे तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को, हमारी इस छोटी सी कोशिश को आप अपना प्यार देते रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कोई सजेशन हो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। उम्मीद करेंगे आगे से इससे भी बढ़िया एंटरटेनमेंट की कोई न्यूज़ आप तक पहुंचाएं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट की बढ़िया से बढ़िया न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मुंबई टर अमन कुमार। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए सी या गुड बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल माई फ्रेंड्स। See ya, take care.